माहौल में मिल रहे हैं और आज हमारे बीच सारे विशिष्ट जो अतिथि हैं उनमें हमारे मेंबर्स तो है ही हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, MII हेड्स हैं, MII की टीम्स है, हमारे लीगल कंसल्टेंट्स हैं, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट्स हैं, एमिनेंट मार्केट एनालिस्ट हैं, बैंक ऑफिशियल्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोग हैं, म्यूचुअल फंड्स AMC से हैं, मीडिया से हैं, इस तरह के सारे पर्सनालिटीज़ आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही गौरव का एक दिन है हमारे लिए और आप सब जानते हैं कि हम ये हमारा इवेंट एनुअल इवेंट रहता है, पर कोविड प्रोटोकॉल के चलते हम पिछले 2 साल इसको कर नहीं पाए थे और आज इसका आयोजन हो रहा है तो हम सबके मन में मैं ऑल्सो रिक्वेस्ट ऋषि नाथानी जी प्लीज ज्वाइन फ्रॉम MCX। सो आज तो यहाँ कोई कंप्लायंस की बात नहीं होने वाली है इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और आप वैसे आप सब जानते हैं कि BBF जो है वो मेंबर्स के लिए एक कड़ी बना हुआ है रेगुलेटर और मेंबर के बीच में, तो जितने पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स है कम्युनिकेशन गैप्स के, एजुकेशन के, ट्रेनिंग के, वो हम BBF से करते हैं। और रिसेंटली हमने एक डेडिकेटेड कंप्लायंस हेल्पडेस्क भी शुरू की है BBF में, उसका आप सबसे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है तो वो मैं आपको बताना चाहता था। और हम लोग जो वेबिनार्स हैं पिछले 2 साल से ज़्यादातर ऑनलाइन कर रहे थे, कुछ कुछ हमने फिजिकल भी इन दिनों इवेंट्स किए हैं। और अगले हफ्ते हम लोग एक बड़ा ये जो इन्वेस्टर वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक है उसके तहत मैं आई ऑल्सो रिक्वेस्ट अनिल सिंघवी जी फ्रॉम जी एंड अनुज सिंगल जी फ्रॉम CNBC प्लीज ज्वाइन अस। सो IOSCO के साथ और IOSCO और SEBI के नेतृत्व में हम लोग BBF और IFI मिलकर जो है वर्ल्ड इन्वेस्टर इंडिया इन्वेस्टर शो 2022 करने जा रहा है। ये प्रोग्राम वर्चुअल है, 3 दिन 11, 12, 13 अक्टूबर को रहेगा। और ख़ास बात ये है एक बताने लायक कि आज इतना मौसम में काफ़ी अचानक परिवर्तन आया, बहुत तेज़ बारिश थी, क्वार्टरली सेटलमेंट का एक बहुत बड़ा टेंशन सबके ऊपर था, उसके सब के बावजूद भी हमारे सारे फ्रेंड्स और वेल विशर्स आज यहाँ पे है और आउट ऑफ बॉम्बे से भी हमारे साथ मेंबर्स हमारे फ्रेंड्स जुड़े हैं। इस सब के लिए मैं BBF की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और दीपावली की शुभकामनाओं के अवसर पर मैं चंद पंक्तियाँ आपको बताना चाहूँगा कि है रोशनी का यह त्यौहार, लाए हर चेहरे पर मुस्कान, सुख और समृद्धि की बहार, समेट लो सारी खुशियाँ, अपनों का प्यार और साथ। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मे आई रिक्वेस्ट आशीष जी टू प्लीज से फ्यू वर्ड्स। थैंक यू ललित जी। वी हैव वन बर्थडे बॉय विद अस। वही आप ऊपर आइए, आपको दैट्स योर बर्थडे टुडे। नो समबडी आशीष अजमेरा का, हाँ ओके आशीष अजमेरा। सो वी हैव अ बर्थडे बॉय कमिंग अप, गिविंग अ बिग हैंड। Thank you very much. This was a lovely wishes that I got throughout my life. Thank you. So it's now almost 3 years since we met physically. And last 3 years I think have been one of the toughest times for mankind. And in that 3 years, I think this industry has done a yeoman service to the country. Literally our number of investor accounts has gone up, I think from less than 3 crore to now 11 crore. And I think big thanks to all of you that you have been able to increase people's wealth. And we now have 2 TV personalities also. So we need to thank them also for spreading the message far and wide. And everyone has worked hard. We have lost people from the industry across the country. So we need to
also be thankful to people who have lost lives. We need to remember them and also try to support their families where possible, because this has been the toughest period for mankind, and we need to do what we can for our colleagues, whether they were our staff or they were members. Whatever we can do, I think it's important that the Broker Forum and other associations work with that staff, try to rehabilitate their children, and whatever is possible, I think I would request all of you to consider this very seriously. Of course, compliance will continue. As I think Uttamji said, every time we need your attention, we have to give you circular on new compliance. So I think compliance is going on today also. I've been informed by, I think, most that we are pretty much in control of what is coming up today or what has already come. And I think in future also, the speed is going to increase for at least foreseeable future. And all of us will have to work hard. That includes exchanges. With that, I wish all of you a very, very happy Diwali, all the families and all members, all their staff. Happy Diwali and Happy New Year. Thank you very much. Thank you, Ashish ji, and thank you, Ashish ji, you too. Happy birthday to you once again. And may I request Neeraj Koshesh ji to please say goodbye. Thank you, Lalit ji. It is a pleasure to be here today after 3 years. And so wish you all of you a very happy Diwali. It is a very interesting day because today, with such a huge compliance change, we have got such a good participation. So all credit to all the members here who have, despite all the hard work, you deserve a clap. And as now you must have realized that compliance should be a way of life for all of us. We have already gone through a lot of changes, more will come, but it also shows the resilience of all this community to live through all this. So all the best, and wish you all a very happy Diwali once again. Thank you. Thank you, Neeraj ji. Thank you so much. माहौल में और जान डालने के लिए मैं अनिल सिंघवी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दो शब्द हमें कहें और हमारा हौसला अफजाई करें. अनिल सिंघवी सर, नमस्कार. आप सभी को दिवाली की राम राम. पहली दिवाली कई साल बाद ऐसी आई है जहां पे किसी को दिवाली की शुभकामनाओं की जरूरत नहीं है. इतना बढ़िया मूड माहौल है देश दुनिया में नहीं, सॉरी, देश में. ये सबकी दिवाली अच्छी है और क्योंकि शुभकामनाएं देने की प्रथा है तो मैं आप सबको यही शुभकामना दूंगा कि इसी तरह की दिवाली हर साल आप धूमधाम से मनाएं. एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, इस ऑडिटोरियम में, इस हॉल में जितने लोग हैं, अगले 25 साल आप सबके हैं और हिंदुस्तान में जो कुछ होगा वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत होगा. जो बिजनेसेस, जो इंडस्ट्रीज, जो कॉर्पोरेट्स और जो हमारे मार्केट्स ग्रो करेंगे, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, आपने हमने जिंदगी में सोचा नहीं होगा वैसा समय हम आप साथ मिलकर देखेंगे. होने दीजिए 2047 में ललित जी, जब 100 साल पूरे होंगे हमारे देश के आजादी के, आप और हम इसी तरह से मिलकर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, बुलाइएगा जरूर. बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच. और CNBC से हमारे साथ पधारे हुए अनुज सिंघल जी से मैं निवेदन करूंगा कि दो शब्द में. एक्चुअली थोड़ा अनफेयर है कि अनिल जी के बाद मुझे बोलने को बोल रहे हैं, तो अनिल भाई कुछ बोल रहे हैं उसके बाद कुछ बोलने को बचता क्या है. लेकिन जो अनिल भाई ने बात बोली, देखिए एक बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ. मैंने अपने फादर को कोविड में लूज़ किया, तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ कि आज की डेट में हमको सबको ये एक इस चीज़ पे फक्र होना चाहिए कि ह्यूमन रेस किससे बाहर आ पाया, और ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है ह्यूमन रेस की. 2020 का वो टाइम याद होगा आप सब लोगों को जब निफ्टी 7,500 हो गया था और सबको ये लग रहा था कि बस अब तो सब खत्म हो चुका है. लेकिन आज देखिए हम कहाँ पर हैं, तो ये दिखा रहा है कि आगे अगले 20 साल में हम कहाँ जाने वाले हैं. और एक बहुत बड़ी बात है जो इंडिया में इक्विटी क्वेश्चन की है कि 15-20 साल पहले
जो स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे ना, उनको थोड़ा अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता था। आज के डेट में जो इक्विटी कल्ट इंडिया में आ गया है, उसमें मतलब वो एक काफ़ी बड़े पार्टिसिपेंट्स बन गए हैं एक इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगले 20 साल में, जैसा अनिल भाई ने भी कहा कि अगले 20-25 साल आप सब लोगों के होने वाले हैं, तो आप सब लोगों के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। और हमारे बीच जो विशिष्ट हमारे MIS के हेड्स यहाँ पे हैं, उनमें से और कुछ अगर हमें कोई ग्रीटिंग्स देना चाहें तो मैं आमंत्रित करता हूँ। अदरवाइज हम सोचते हैं कि आज हमें ज़्यादा अगर ये इस दूर रहना है स्टेज और उस माहौल से और सिर्फ एंजॉय करना है, सो फिर हम सब मिलकर एंजॉय कर सकते हैं। और मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सब जो आज बीच विशिष्ट अतिथि पधारे हुए हैं। हम सबका सबको स्टेज पर नहीं बुला पाए, लेकिन वो यह हमारे बीच मौजूद हैं और हम सब एक साथ मिलकर ये प्री दिवाली इवेंट को आगे एंजॉय करते हैं। थैंक यू एवरीवन, वी कैन ऑल बी हियर विद द टीम। थैंक यू।